नमस्कार, मैं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम प्रदर्शनी को लेकर आज हम फोकस करते रहा हूँ मोदी जी के बारे में। आज जो है 22 सितंबर है और 23 तारीख तक चलेगा ये 17 मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह लगाया गया है। बहुत खुशियों के साथ आज पूरा भारत, आज पूरा इंडिया यहाँ पर जो है लोग दूरदराज के लोग आ रहे हैं देखने के लिए मोदी जी के पूरा चित्र, उनके साथ उन्होंने बचपन से लेकर आज तक क्या किए हैं। आइए, हमारे साथ ऐसे कई मेहमान हैं, हम जानेंगे कि मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। मोदी जी आज देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकनायक हैं और हमारे देश में आज प्रधानमंत्री जो है मोदी जी आज अमेरिका में हैं और हमारे देश की और शक्ति और पावर बढ़ रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सोचते हैं हमारे देश के नागरिक क्या सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारी मानसिकता और क्या हो रही है। आइए हम जानते हैं। जी, क्या नाम है सर? मुकेश। मुकेश भाई जी, आप बताइए, जिस तरह से आज हम यहाँ प्रदर्शनी देख रहे हैं और मोदी जी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? अभी तो मैं आया हूँ, जैसे प्रदर्शनी ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन मोदी जी के बारे में मेरा मानना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, और देश विदेश में हमारी साख बढ़ रही है इससे। ठीक है, और आज जैसे अमेरिका में है तो इससे जैसे अभी लास्ट टाइम कल परसों की बात है कि जो मार्केट में जो इतनी बड़ी रैली निकली है तो मतलब कहीं ना कहीं पे हमारी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और मोदी जी को मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ये काफ़ी लंबे समय तक रहें जिससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। जी, मोदी जी को हम आपको एक नंबर देते हैं। हाँ। आप 1 से लेके 10 तक आपको बताना है मोदी जी को कितना प्यार करते हैं आप? 8.5। वेरी नाइस। अच्छा, चलिए हम आप इस विषय पे आते हैं कि आज पर्यावरण को लेकर पॉलीथीन के बारे में जिस तरह संदेश दिया गया है, क्या हमारी जो है पॉलीथीन के बारे में बहुत अच्छा कदम उठाया गया है? हाँ, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा कदम है, जिससे पॉलीथीन से जितना भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था उस पर तो नियंत्रित होंगे ही, लेकिन जो जो पेपर उद्योग है जिससे उसमें बहुत बढ़त मिल रही है। मैं थोड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजी सोचता हूँ तो अभी मार्केट के अंदर जितने भी पेपर है सारे के सारे ऊपर है और पॉलीथीन तो जितना भी है कि नुकसानदायक ही है, तो इसमें अभी लोगों में भी इसका रुझान देखने को मिला है। जी, मोदी जी को जिस तरह से अवार्ड मिला है आप जानते ही हैं और उसके बाद आज मोदी जी जो है विश्व के सबसे बड़े जो है महान शक्ति और सुपर पावर आज भारत बोलने जा रहा है। हाँ हाँ। तो आज जो है बताया गया है कि एनवायरनमेंट को लेकर भारत जो है काफ़ी गंभीर है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को? मोदी जी तो देखिए उनको तो संदेश देने की वैसे ज़रूरत है ही नहीं है, वो तो अपने आप से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बस पर्यावरण के प्रति भी काफ़ी सजग है। गंगा सफाई को लेकर भी उन्होंने काफ़ी किया है और अभी जो पॉलीथीन वाला कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा है इसमें संदेश वाली। तो आप मोदी जी जिस तरह से आज हमारा चंद्रयान गया है और हमें सफलता मिली है, हमें विफलता नहीं है, हम सफलता की तरफ हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर कोई जो है माने नहीं रखता है, वहाँ पे ना रूस पहुँचा है, ना अमेरिका पहुँचा है, ना चीन पहुँचा है, तो हम वहाँ पहुँच के दिखाए हैं, तो हमें 95% तो उम्मीद लगता है कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आने वाले वक्त में हम और भी आगे बढ़ जाएंगे, चांद से उस पार जाएंगे? हाँ, जिस तरह से मोदी जी का बिहेवियर है कि मतलब जिस तरह से भी हम चलो नहीं फाइनली सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनका जो रिएक्ट था जो इसरो के प्रति वो काफ़ी अच्छा था, जिससे लोगों को और बढ़ावा मिलता है और मुझे लगता है इस तरह का बिहेवियर और इस तरह की राजनीति जो अच्छा कर रही है हम बहुत आगे जाएंगे आने वाले समय में। जी, मुकेश जी, आपने एक गाना सुने होंगे, हम चांद के उस पार जाएंगे, हम चलेंगे उस पार, सुने होंगे, बहुत पुरानी गाना है, शायद आप ना सुने हों, लेकिन आप जो है FM वगैरह या देखिएगा, तो हम वाकई में चांद के उस पार जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल, मेरा मानना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 5 सालों की बात करता हूँ जितना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से हम बहुत आगे जा रहे हैं। इसमें कुछ एक लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी रहती है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो देश का विकास हो रहा है। जी, जिस तरह से मुकेश जी कह रहे हैं परेशानी है, वाकई में परेशानी नहीं है, ये खुशी है, क्योंकि खुशी अगर सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है, दोनों झेलना पड़ता है हमें ही। यदि हमें कहीं कांटा पैर में चुभ जाता है तो दर्द भी होता है, अगर नहीं चुभता है तब भी जो है हम खुशियों के साथ चलते हैं, तो इसलिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, देश की शक्ति के लिए कर रहे हैं, देश की आन बान शान के लिए कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मेहमान हैं, जो हम जानेंगे कि हमारे देश की सबसे बड़ा जो है किस तरह से सोचते हैं और उनकी मानसिकता। जी नमस्कार, इस समय इंडिया गेट पर हूँ और हमारे साथ कई ऐसे मेहमान हैं और हम जानेंगे कि मोदी जी के बारे में क्या जो है सोच रखते हैं, मोदी जी को कितना और उत्साहित करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है 17 सितंबर से लेकर
23 सितंबर तक यहाँ जोरों से चल रहा है और आप देख सकते हैं आकर भली भांत, आप उनके चित्रण भी देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे मेहमान क्या बोलते हैं देश के लिए और आन बान शान के लिए। आज इंडिया गेट पर मैं खड़ा हूँ और इंडिया गेट पर जिस तरह से हमें प्यार है, मोहब्बत है, और इस तरह से आज क्या झलकता है इंडिया गेट के लेकर, हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे कई ऐसे लोग, हम जानेंगे। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल है सर जी, मैं पंजाबी बाग से हूँ। मैं आज यहाँ पर आया, मैं पीछे भी देख रहा था, अखबार में भी पढ़ा कि प्रदर्शनी लगी है इंडिया गेट के ऊपर मोदी जी के बारे में जानने के लिए। आज काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिली जो कि कुछ सूचनाओं के माध्यम से हमें नहीं मिल पा रही थी। वो मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं तो सिर्फ मैं यही कहूँगा, देश के अंदर यदि अगर अंतिम जो पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है यदि उसके बारे में अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा है। क्योंकि देश के अंदर गरीबों को क्या चाहिए? आज जेब में आपके पास अगर 10-20-50 हज़ार रुपया हो तो कोई भी अपना छोटा मोटा रेडी पे दुकान लगा सकता है, पटरी लगा सकता है, मोची की दुकान खोल सकता है, अपना पकौड़े की दुकान खोल सकता है। और ये सोच अगर रखी किसी ने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो कि आप जानते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन बैंकों के अंदर आसान किस्तों के अंदर मिलना मुमकिन हुआ, जो कि आज से पहले की सरकारों में कभी मुमकिन नहीं था। मैं खुद उस योजना का लाभकारी हूँ जिसका मुझे फ़ायदा मिला। मेरी खुद की एक लेडीज़ फुटवेयर की फैक्ट्री है जिसके अंदर मुझे काम करने में फ़ायदा मिला। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कभी इस देश में जन्म लिया है और शायद ही पता नहीं आगे जन्म ले, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। ये एक हीरा है, ये वो हीरा है जो कोहिनूर हीरा किसी टाइम में जो कहते हैं कि ताजमहल से इंग्लैंड निकाल के लेके गए थे, लेकिन आज हमारा असली कोहिनूर हीरा हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी हैं जो हमारे पास हैं। आज उन्हीं के बीच में उस कोहिनूर हीरे की आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है, उनके बारे में बताया गया है कि उनके देश के जीवन चक्र में उन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए अपने जीवन के अंदर किया है, वो आज हमें यहाँ देखने को मिला। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बचपन में कैसे अपने गरीब परिवार से लेकर का सफ़र आज यहाँ तक तय करके एक प्रधानमंत्री का सफ़र तय करा है। अपने अंदर एक कहते नहीं, एक गर्व महसूस होता है कि एक गरीब जो आज देश का नेतृत्व कर रहा है, जो कि आज पूरे देश को अब आगे लेके आना चाह रहा है, क्योंकि उसने वो जगह देखी है जहाँ वो लास्ट गरीबी उसने देखी है, तो वो चाहता है कि हमारे देश का हर गरीब एक सामान्य धारा के अंदर आए और इस देश के एक पूरे विश्व के अंदर जैसा विश्व गुरु हमारा पहले कहलाया जाता था, आगे भी वह कहलाए। और आप देख भी रहे हो इस दिशा के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ रहा है जी, आगे बढ़ रहा है जी। हमारे साथ जो है जिस तरह से मौजूद हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी जो है एक हीरा है, एक डायमंड है देश के, तो हम जानेंगे कि आखिर में किस तरह से लोगों का सोच है। बहुत अच्छा है, इन्होंने वक्तव्य दिए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र राठौड़ है जी। राठौड़ जी, आप बताइए जिस तरह से आज यहाँ खड़े हैं इंडिया गेट पर, आज प्रदर्शनी लगाया गया है, कितना खुश हैं और मोदी जी को क्या शुभकामना देना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी के 69वें जन्मदिन पर, उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने एक गरीब परिस्थितियों से निकल कर आज जो यहाँ तक देश को पहुँचाया है, उसके लिए वो देश इतना आगे बढ़ रहा है कि एक छोटी छोटी चीज़ गैस सिलेंडर जो एक महिलाओं के आंखों में आंसू निकलते थे, वो आज 7.5 करोड़ उन गरीब परिवारों में पहुंचाकर ये सबसे बड़ा काम किया। और उन महिलाओं के लिए जो बड़े सवेरे सवेरे बड़े दुख के साथ वो जब सोच के लिए जाती थी खेतों में, या उसके लिए उन्होंने घर घर के अंदर शौचालय बनाकर उनको देकर ये देश की छोटी छोटी जो उन्होंने बातें उठाई, देश के लिए काम किया, वो आज देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी डेवलप इंडिया, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, ये सारे देश को एक तरह से बहुत आगे ले जाने की कोशिश में है। आज अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका ने आज जितने भी देश हैं आज मोदी के पीछे पीछे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं वो आप आगे चलो हम पीछे हैं। और जबकि अमेरिका वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति जिसको किसी ने घास तक नहीं डाली, जो सिर्फ अभी आतंकवाद का सहारा लेकर अपनी रोटियां सेकता हुआ आया, अब ये भी होने वाला है कि वो अब पाक में सीधी बात होगी। कश्मीर की तो बात छोड़ दे, कश्मीर तो हमारा था, वो हमने जो करना था वो हमने कर दिया। ये 370 धारा हमारी
संविधान हमारा, कश्मीर हमारा, पाकिस्तान का क्या जो बीच में हमारे बीच में जो आया, तो आज हम उसको विश्व को ये बताना चाहते हैं कि आज भारत सबसे आगे है, सबसे आगे रहेगा। आज अमेरिका भी आज इंतजार देख रहा है भारत के नक्शे कदम पर चलने का। आज रसिया भी भारत का इंतजार देख रहा है कि ये आगे चले और हम अपने देश को अपने विकास के रास्ते पे हम इनके पीछे चलें। छोटे छोटे काम, स्वच्छता का काम, अभी 2 अक्टूबर में स्वच्छता का काम आएगा, उसको अमित शाह जी ने संभाल लिया, तो इस छोटे छोटे काम करके आज देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य वो कर रहे हैं जी। और जो है कांग्रेस जो आज 370 धारा लगाकर ये एक वोट बैंक की राजनीति के कारण वो आज धरातल में है। वो कहते थे कि हम 370 35 से नहीं हटाएंगे, अगर इन्होंने हटाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हमने हटा दिया ना, आज हमारी सरकार ने, मोदी जी ने धारा 370 को हटा कर ये दिखा दिया कि कितनी आसानी से हम हर काम को आसान बना सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि देश मोदी जी के नेतृत्व में सबसे आगे जाएगा, विश्व गुरु बनेगा, नंबर 1 होगा, अभी नंबर 5 पे है, अभी नंबर 3 पे जाने वाला है। चंद्रयान का यही नमूना है कि हम तीसरे नंबर पर पहुंचे टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर। अब मोदी जी के नेतृत्व में हम सबसे आगे हैं जी। जिस तरह जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम जी। तो आपका क्या नाम है सर? राजकुमार अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, आप ही बताइए, आज जो है प्रदर्शनी देखने आए हैं जी, और मोदी जी के पूरा चित्रण आपने देख लिया, उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, मोदी जी की का जो जीवन है वो जीवन बचपन से अब तक देश हित में है। उनका जीवन जो हमारे भारत माता की धरती पर हुआ है वो हमारे लिए एक बहुमूल्य रत्न के रूप में हुआ है। भारत माता की सेवा में, देश की सेवा में, अपने जन्मदिन पे भी वो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने गए, ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, ऐसा व्यक्ति हमें रतन पहले कभी नहीं मिला। देश के हित में ही सोचते हैं वो, देश के हित में ही करते हैं, बाहर जाते हैं तो देश के हित में ही काम करके आते हैं। आज तक उन्होंने देश के हित में ही काम किया और आगे भी वो देश के हित में ही काम करेंगे। आगे उनका जन्मदिन आया, जन्मदिन में भी वो यही सोचते हैं कि मेरा जन्मदिन भी जो बनाया जाए वो देश के हित में, जो भी मैं काम कर सकूं उसी रूम में बनाया जाए। कईयों ने गरीबों को क्या बांटा, कईयों को गरीबों में क्या दिया, निशुल्क इलाज हुए, उनके जन्मदिन पे इतने काम हुए, सब गरीबों के हित में हुए और आगे भी गरीबों के हित में ही होने हैं, क्योंकि वो देश के हित के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा मोदी जी जो हैं हमारे देश के एक रत्न हैं, और मैं उनको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मोदी जी का आशीर्वाद हमें सबको हमेशा मिलता रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय जी। मैं सुभाष कुमार।